इस वीडियो हमने स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रोलॉजी को डिस्कस करना है आ, ए... इस्ट्रोलॉजी ऑफ दी सेरीब्रम और सेब पहले पढ़ ली थी अब स्मारकॉर्ड की स्ट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे विद इस डायग्राम में आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ना है टर्म दरअसल आपस में जो है वो कंफ्यूज हो जाती है वरना स्मार्ड की स्ट्रोलॉजी बहुत आसान है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मारकॉर्ड जो है वो अगर उसकी शेप देखी जाए तो ओवल इन शेप होती है और वेंट्री ज्यादा फ्लैट होती है एस कम्पेयर टू डोर्सली इम्पोर्टेंट अब इसकी स्ट्रोलॉजी पर आते हैं सबसे पहले इसकी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे स्मारकॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है वो सेंटर में होता है इन द फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई

वेंट्रलिम्ब होते हैं ये एक डोरसलिम्ब है और एक डोरसलिम दो, दूसरी साइड का होगा ये एक वेंट्रल लिम्ब है और दूसरा वेंट्रलिम दूसरी साइड का होगा इसको लिम्ब भी कहते हैं और उसको हॉर्न्स भी कहते हैं यानी दिस इज द डोर्सल हॉर्न एंड दिस इज द वेंट्रल हॉर्न ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड ठीक है दो डोर्सल हॉर्न्स होंगे दो वेंट्रल हॉर्न्स होंगे ठीक है जो डोर्सल वाला मतलब पीछे वाली साइड पर होगा और वेंट्रल थोड़ा सा आगे होगा ठीक हो गया इसको पोस्टीरियर हॉर्न्स भी कहते हैं डोर्सल हॉर्न्स को वेंट्रल हॉर्न्स को एंटीरियर हॉर्न्स भी कहते हैं अब जो पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं तो स्पेशलिटी ये होती है कि इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं और जो हमारे पास वेंट्रल हॉर्न्स होती हैं इनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं अब मैं आपको एक बताती हूँ कि स्मार्ल कॉर्ड की किस तरह से हम करते हैं कि ये देखें हमारे पास ना यहाँ से ना इनपुट इस तरह से आ रही होती है मैं दिखा देखें स्पाइनल कोड की जो इनके पास इनपुट है ना वो यहाँ से आ रही होती है इस तरह यहाँ से ये 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 इस तरह से आ रही है तो इसको जिस जरिए से इनपुट आ रही होगी ना उसे कहेंगे पोस्टीरियर रूट या डोरसल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व जैसे स्पाइनल नर्व की ये जो एक डोरसल रूट होती है ये एक वेंट्रल रूट होती है जो आगे जाके मिल के हमारे पास स्पाइनल नर्व बनाती है तो हम ये कह सकते हैं कि स्पाइनल नर्व की डोरसल रूट के पास इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है और स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन जो है वो वेंट्रल रूट के जरिए जाती है ऑफ़ की वेंट्रल रूट के जरिए जाती है तो यही बताया गया कॉर्ड तो बता कर के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती है कॉर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन आई ग्रे मैटर के इस एरिया में आ गई ये कौन सा एरिया था डोर्सल हॉर्न डोर्सल हॉर्न था डोर्सल डोरसलम था या इंटीरियर डोर्सल हॉर्न था या पोस्टीरियर हॉर्न था या फिर डोरसलम था यानी डोर्सल हॉर्न था था या फिर पोस्टीरियर होन था ये क्या था एंटीरियर वेंट्रल होन या पे एंटीरियर लिम ठीक है तो ये सिंपल सी है ये क्या है ये डॉर्सल रूट है जहां से इन्फॉर्मेशन आई और ग्रे मैटर के को क्या है? कहते हैं हॉर्न कहते हैं लिम कहते हैं इसको हम रूट कहते हैं जहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये क्लियर हो गया उसके बाद इन्फॉर्मेशन यहां पर रिलय करने के बाद यहाँ पे सैनैप्स होता है और वो सैनप्स के बाद एग्जॉन निकलती है वो वाइट मैटर के अंदर चली जाती है वाइट मैटर के कौन से एरिया में जाती है ये वाला कौन सा एरिया है ये है डॉर्सल कॉलम और ये वाला कौन सा एरिया है जहां पर मतलब वो डॉर्सल कॉलम में भी जा सकती है और वो हमारे पास डीकसीशन करके वेंट्रल यहाँ पर यह वेंट्रल कॉलम में भी आ सकती है यह वेंट्रल कॉलम होता है ये डॉर्सल कॉलम होता है ये लेटरल कॉलम होता है सर से बात है लेटरल साइड पर है ये पीछे वाली साइड पर आगे वाली साइड पर है तो कॉलम्स यानी व्हाइट मैटर के अंदर जो ट्रैक्स बन रहे होते हैं वो कॉलम्स

तो ये आपको समझ आ गया कि इन्फॉर्मेशन को कैसे करना ये है रूट जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई ग्रे मैटर के अंदर बन गया हॉर्न और ये हो गया कॉलम तो इस तरह से व्हाइट मैटर ग्रे मैटर की थोड़ी सी डिफरेंट uh, सिमिलर uh, मतलब ऐसा लगता है कि सिमिलर है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस में एक और बात जो हमारे पास ग्रे uh, मैटर है ना उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है सेंट्रल केनाल सेंट्रल केनाल के अंदर प्रेजेंट होता है सरिग्रोसमान फ्लुइड ठीक है और uh, जो सेंट्रल केनाल के पीछे वाला ग्रे मैटर का पोर्शन है उसे कहते हैं डॉर्सल ग्रे कमिशियर और आगे वाले को वेंट्रल ग्रे कमिशन दरअसल हमारे पास दो एरिया कनेक्ट करने वाले जो जो दो एरियाज को कनेक्ट कर रहा होता है जो वेंट्रल ग्रह कमीशन है वो दो वेंट्रल होन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा सेंट्रल कैनाल के आगे वाला वेंट्रल ग्रह कमीशन पीछे वाला डॉर्सल ग्रह कमीशन पीछे डोरसल मीडियम सैमटम आगे वेंट्रल मीडियम फीसर तो ये बहुत आसान सी बात हो गई दूसरा ये कि सेंट्रल केनाल के अंदर तो सिलेबस वन फोर् बता दिया मैंने आपको दूसरी बात ये कि स्मायनल कॉड वर्टेब्रल कैनल से होके गुजरती है हमारे पास वटिब्री होते हैं ना उनकी बॉडीज आपस में कनेक्टेड जब होती हैं तो बीच में उनके बनता है इंटरवर्टेबल फरामिना इंटरवर्टेबल फेनेमिना सब सब जो वोटिब्री है उनके इंटरवर्टेबल फरेमिना आपस में मिलकर जो है ना वो वटेब्रेनाल बनाते हैं और वहां से कॉर्ड गुजर रही होती है और कॉर्ड की कवरिंग ये क्या शो की गई है पी आर एक्नाइट एंड कॉर्ड की कवरिंग है जिन्हें मैनजीज कहते हैं और सबसे पहले होती आउटर कवरिंग ड्यूरा होती है फिर एरेक्नाइड होती है पियामेंटर होती है ठीक है इस तरह से ही हमने हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर लिया